वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्व द रिडल्स चैलेंज विद ट्रिगर इंसान। और आज की वीडियो मतलब काफी हटके होने वाली है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, मतलब मैं इनको दिखा रहा हूँ बहुत अमेजिंग रिडल्स, और वो है काफी टफ रिडल्स हैं और मतलब दिमाग घुमाने वाले रिडल्स हैं। वो हम देखने वाले कि किसका IQ लेवल ज्यादा तेज है, मेरा या इनका। तो जो सबको बताए मैं जीतने वाला हूँ, तो जिसकी ज्यादा रिडल सॉल्व होगी, जो ज्यादा रिडल सॉल्व कर पाएगा वो होगा आज की वीडियो का विनर। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये गेम हमारे साथ खेलना है, क्योंकि हमें पता है आप लॉकडाउन में बहुत बोर हो रहे हो, तो आप हमारे साथ गेम खेलो। हर रिडल का आंसर कमेंट करो और देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। तो चलते यहां से बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पहली रिडल की तरफ। रुक जा एक सेकंड, मेरे को बाबा रामदेव वाले पोज बनाने दे पहले। ओहो बाबा रामदेव जी, कंसंट्रेशन भाई, मेडिटेशन। IQ बढ़ती है भाई मेडिटेशन से। चलो स्टार्ट करो। तो ये हम कर रहे हैं अपनी पहली रिडल स्टार्ट। आकाश और रोहित एक पब में पार्टी कर रहे थे। आकाश तभी रोहित बोलते हैं कि चल एक बेट लगाते हैं, मैं 3 बियर पी सकता हूँ तेरे एक शॉट पीने से पहले। चल लग गई 1000 रुपए की बेट। लेकिन इस बेट में 2 कंडीशंस थे। पहला, जब तक रोहित पहला ग्लास फिनिश नहीं कर देगा आकाश अपने ग्लास को हाथ नहीं लगा सकता, और दूसरा, दोनों एक दूसरे के ग्लासेस को टच नहीं कर सकते। 5 मिनट बाद रोहित बेट जीत जाता है। लेकिन कैसे रोहित जीता, कैसे, क्या आप बता सकते हैं? ऑलराइट, तो रिडल समझते हैं। सबसे पहले आकाश ने रोहित को चैलेंज करा कि भाई मैं 3 बियर के ग्लास पीऊंगा, और वो एक हो भाई मारो मुझे मारो। बेसिकली उसने अपने 3 ग्लास खत्म कर दिए और वो एक शॉट नहीं खत्म कर पाया। बेसिकली ऐसे बस जो 2 कंडीशंस थी सारा खेल उसी का है। देखो एक कंडीशन है के जब तक वो अपना पहला ग्लास पी नहीं लेगा वो हाथ नहीं लगा सकता शॉट को। बिल्कुल। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि एक दूसरे के ग्लास को हाथ नहीं लगा सकते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग से डरे। 3 days later मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया है? देख उसने बोला हम एक दूसरे के ग्लास को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या करा, अपना पहला वाला ग्लास लिया और उसके वाले ग्लास में डाला। व्हाट एन आइडिया सर जी। कि मतलब अपना पहला पी लो, तो उसने कहा था वो पहला छू नहीं सकते और उसके ग्लास में रख दो। ओह माय गॉड। हां तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोग भी कमेंट कर दो अपने आंसर नीचे, लेट्स सी। रोहित ने जैसे ही पहला ग्लास खत्म किया उसने अपने ग्लास को उल्टा करके आकाश के शॉट के ग्लास के ऊपर रख दिया। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से दोनों एक दूसरे के ग्लासेस को हाथ नहीं लगा सकते, तो ग्रेट हो तो कबूल करो। एक्चुअली मेरा जन्म ना बचपन में ही हो गया था और माँ मेरी लेडी थी। मतलब मैं तेरे को देख के सीखने करने, तो भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? आइए वाईएस बनो और देश को संभालो। इट्स माय चॉइस। ललनपुर गांव के लोग हमेशा की तरह भूतों से बड़े परेशान थे। इस बार वहाँ एक हवेली में भूत आ गया था, तो कोई उस हवेली में नहीं जाता था। लेकिन 4 दोस्तों ने वहाँ जाने का सोचा। चारों हवेली के अंदर गए और फोटोज खींचने लगे। उन्हें कोई भूत नहीं दिखा, लेकिन चारों ने जब फोटोज देखना शुरू किए तो वो डर गए और वहाँ से तुरंत भागे। क्यों, ऐसा क्या देखा उन फोटो में? क्या आप चारों फोटो को देख के बता सकते हैं? तो अब हमें 4 फोटो देख के बताना है कि ऐसा क्या देखा उन्होंने फोटो में जो उनको भूत दिख गया। This is so easy man, this is so easy। तेरे को पता नहीं चला क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब हर फोटो में 3 है, इस फोटो में 4 है, गड़बड़ तो कुछ इसी फोटो में। तो जब 4 लोग गए थे तो 4th फोटो खींची किसने? वो जिसमें 4 लोग है वो खींची। टाइमर भी तो होता है भाई। पर इसका आंसर यही होगा कि 3rd वाली जो फोटो है इसमें 4 लोग हैं, तो फोटो किसने की थी इसलिए वो डर गए। यही आंसर है। नहीं यार ये क्या है, मेरे को मेरे सोच से पहले तेरा आंसर निकल जाते, ऐसे कुछ चल गया। मुझे अपने घर जाना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। बट 1-0 हो चुका है मेरा, तो आंसर इसने पहले ही बता दिया। मैं कैसे बताऊं, आप लोग अपने आंसर जरूर कमेंट करते हैं हमारे ना। देखते हैं हम अपना, यही होगा। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा कुछ नहीं सकता। हवेली के अंदर बस 4 लोग थे, लेकिन अगर आप ये वाली फोटो देखेंगे
तो ये सेल्फी भी नहीं है, लेकिन इस फोटो में चारों लोग मौजूद हैं। बट यार वो सेल्फी स्टैंड नहीं लेके जा सकते। बट इस मामले में तेरा आंसर दे, एक तरीके से तूने जो बोला सेल्फ टाइमर, भाई मैं कैमरे पर टाइमर लगा के भी तो चारों फोटो खींच सकते हैं। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आईक्यू तो मेरा भी हाई है यार। झूठ बोल रहा है। अरे घबराओ मत बेटा, तूने दंगल तो देखी है ना? दंगल उसको बोलता है, अरे तू स्टेट चैंपियन से हारा है। अरे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है। तो वैसे बेटा कोई नहीं, तू नेशनल चैंपियन। क्या बात है सर, क्या डायलॉग है मतलब। चलो चलो आगे चलो। तो इसमें से वैम्पायर कौन है गेस? देखो वैम्पायर बीच वाला तो पक्का है, क्योंकि उसके पर उसके पैर है। तो भाई वो तो चुड़ैलों के पैर नहीं होते। अच्छा ऐसा भी था क्या? बचपन में वो सपना आता था ना, वो चुड़ैलों के पैर होते हैं कुछ, वो मतलब कितने सपने थे ना, ओ स्त्री कला ना, मतलब क्या मस्त था। अच्छा एक सेकंड रुक, सोच। हाँ। देख सबसे पहला वैम्पायर का हमें पता है वो रेड और ब्लैक वाले कपड़े पहनते। तो रेड ब्लैक दोनों ने, तीनों ने पहने। अरे पर बीच वाले ने तो पूरा वैम्पायर वाला पहना है ना। हाँ एक्चुअली बीच वाला ही आंसर, और मैं तो आंसर पता चाहिए। मेरे को लग रहा है आंटी रेड वाली है, क्योंकि उसकी शैडो दिख रही है और वैम्पायर की शैडो नहीं होती। यही तो मैंने बोलना था। भाई चीटिंग करता है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। देख लेते एक बार आंसर क्या है इसका। Obviously, she casts a shadow. अगर मैं आंसर दे देता तो एक बात होता, अगर मैं आंसर दे देता तो फिर तू बोलता यही मेरा भी आंसर था। नहीं, तो फिर पॉइंट तो मैं तुम्हें देता ना, अब पॉइंट हुआ मेरा। दो दोस्त अमर और साकेत जंगल में जा रहे। अच्छा। मस्ती करते हुए वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे। ओके। कि अचानक उनके सामने एक जंगली शेर आ जाता है। वैसे तो वो टाइगर है। फटाफट लेना शुरू कर देता है। अमर उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना भी तेज भाग लो शेर को पीछे नहीं छोड़ पाओगे, शेर से तेज पकड़ ही लेगा। साकेत बोलता है कि मुझे पता है मैं शेर से तेज नहीं भाग सकता, फिर साकेत लेस टाइट क्यों कर रहा था? बाहर का सीन है तो अबे शेर से तेज किसको भागना है, मुझे तो तेज से तेज। कमाल हमने भी देखी है भाई साहब। हाँ जैसे उसने कहता ना शूले हमने भी देखी है, वैसे कह रहे धमाल हमने भी देखी है भाई साहब। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है, ये कोई आईक्यू क्वेश्चन थोड़े ना। वो मेरे भाई इसका आंसर देते हैं, साकेत शेर से तेज नहीं भाग सकता था, अमर से तो तेज भाग सकता था। आंसर। जॉन एंड मैरी वोक अप बिकॉज देयर सन वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा है इनका, और सनी व्हाट हैपेंड, उसके पापा ने उससे पूछा वैम्पायर ट्राइड टू किल मी, माय गॉड वैम्पायर ने उसको मारने की कोशिश की। I remember his face. उसका चेहरा भी दिखा दिया। एक सेकंड, चेहरा कैसे दिखा दिया? भाई बंदे ने तो कह रहा है कि अब हमें गैस करना है कि इसमें से मतलब ये तीन स्टाफ है, इसमें से वैम्पायर कौन सा है? I was drinking tomato juice in the kitchen. खून भी तो पी सकता है। टोमेटो जूस बोल रहा है ना वो। So, I was trying a new lipstick. Red क्यों है lipstick? हर चीज में डाउट करूंगा मैं ये रिडल से पहले। I was watching the night show. Night show. पर उसके पास तो उसकी फोटो थी, फोटो में यही नहीं था। I know the answer. ये तो सेम शक्ल है। कौन सा? बटलर और इसकी। आंसर इज बटलर। हाँ। पता है क्यों? क्यों? अब एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करेगा, तू बता। उनका फेस स्ट्रक्चर ही सेम है और कान भी सेम है, सब कुछ ही तो सेम है। हे यार नहीं नहीं, आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो द नेशन वांट्स टू नो। देखो मैं तुम्हें रीजंस बताता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली मेड भी हो सकती है। व्हाई? क्योंकि देखो उसने बोला मिडनाइट का टाइम था, तो वो मिडनाइट को लिपस्टिक क्यों लगा रही थी? आधी रात में लिपस्टिक लगा रही थी, तो आई थिंक आई लाइक हिज एक्सप्लेनेशन। आई थिंक मेड इज द आंसर। आई थिंक आपकी जॉब पक्का है एसीपी प्रद्युम्न। फिर ये क्या मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अभिषेक बताओ आंसर बताओ। तो हु इज द वैम्पायर?
आंसर बताओ। अगर ये सही हो गया तो मेरी जॉब सच में पक्की है सीआईडी में, मेरे को भी ये लग रहा है 100% पक्की है। लोल मेरा आंसर सही निकला उसके कान के लिए, उसका फेस स्ट्रक्चर भी सेम है, वो तो मतलब सेम ही सेम शक्ल है। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 7 second रिडल्स यू नीड टू अपॉइंट हिम, ये साधक से आंसर बता रहा है। Actually, इसका एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी थी, but who gets the point, baby? Who gets the point, baby? इससे ज्यादा नकली रिडल मैंने कभी नहीं देखी थी, वैसे सच बता रहा हूँ मैं, तेरे को सही बताऊँ मैं, इससे अच्छी रिडल्स के लिए ना ब्रेन आउट गेम खेलेंगे। अगर इस वीडियो पे आप लोग दे तो 1,00,000 व्यूज तो फिर मैं खेलने वाला हूँ। 1,00,000 व्यूज तो आई सॉरी 1,00,000 लाइक्स, आई एम सॉरी मेरे मुंह से निकल ब्रेन आउट गेम, वो मेरे वैसे भी पार्ट 2 बनाना था उसका, तो बहुत सही गेम है वो मेरे चैनल पे ब्रेन आउट। ये दो कैदी आए और ये भागने वाली है, हमें इनको देख के बताने की ये कैदी है वो कैदी है, भागने वाला है कौन, भागने वाला है ए या बी, व्हाट डू यू थिंक? ए तैयार हो रही थी, रेडी वेडी हो रही थी, और बी खाना खा रही थी। हाँ। तो उसको डेट पे जाना है या तो भागने के बाद, इसलिए या फिर इसको पेट पूजा करनी थी अपना। उसने खाना खाया, इसने खाना नहीं खाया, ठीक है, वो तैयार हो रही थी भागने, भागने के लिए तैयार हो रही होगी, ये तैयार नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से तो मेरा आंसर तो ए है कि okay. वो तैयार होकर जा रही है भागने के लिए। बट देखना लाइक खाना खाया इंसान ने, ठीक है तो फिर उसके बाद पेट पूजा करके हम भागने के लिए पेट पूजा करी होगी। नेक्स्ट इज द आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कैदी ने खाना खा लिया है और ये वाली कैदी ने नहीं खाया है, क्योंकि इसके खाने में चाबी छुपी हुई है। अगर वो खाना खा ले तो चाबी दिख जाएगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे यार, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक लेडी बहुत परेशान, एक लेडी बहुत परेशान है, उसके होटल रूम में चोरी हो गई, ठीक है, होटल वाले डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। फिर से आ गया मेहुल भाई, मेहुल इज फेमस मैन, की ध्यान से जांच करता है, ठीक है, तीन लोगों से पूछताछ करता है। सांता, पहला मैं बाजू वाले रूम में रह रहा हूँ। भाई मेरा आंसर फिक्स्ड है, सांता क्लॉज, ऐसे कोई सांता बन जाता है। चोर भी लगी हुई है, ठीक है, कैसे चोरी कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा आदमी, मैं तो कल दिन भर पार्टी कर रहा था और फिर रूम में आके सो गया, बॉडी लिख रहा कुछ भी नहीं पता है। सांता, मैं तो दिन भर बच्चों को गिफ्ट दे रहा था होटल की लॉबी में, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, कैसे। इन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बोला था कि क्रिसमस के आसपास का टाइम है, नहीं तो ऐसे ही रैंडमली सेंटा। देखो सीधी बात है, मेरा आंसर तो वीडियो की स्टार्टिंग में सेंटा क्लॉज था, रैंडमली सेंटा क्लॉज क्यों आएगा भाई। बोले सांता क्लॉज तो क्रिसमस के आसपास वाले टाइम में, तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं क्रिसमस वाले टाइम में। लेकिन जैसी ये रिडल्स चल रही है आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बंदा कह रहा है मेरा हार्ट टूटा हुआ है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ, मैं बाजू वाले कमरे में रह रहा हूँ, वो वाला बंदा कह रहा है मैं कल पूरे दिन मैंने अपना आंसर दे दिया, मैं आप इससे ज्यादा अपना दिमाग वेस्ट करूंगा तो फट जाएगा। मतलब मैं भी दिमाग अपना ज्यादा लगाना नहीं चाहता तो मैं भी सांता ही बोल देता हूँ, क्योंकि रैंडमली सांता क्लॉज कॉपी नहीं। मेहुल समझ जाता है कि चोरी पहले वाले आदमी ने की है, उसके हाथ में चोट लगी हुई है और प्लास्टर भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लास्टर शर्ट के ऊपर है, मतलब वो सिर्फ प्लास्टर लगने का नाटक कर रहा है, प्लास्टर कभी शर्ट के ऊपर नहीं होता है। इससे कोई लैंड करो अबे साले। अच्छा था, लॉजिक अच्छा था, सही है। अच्छा हां एक्चुअली मैं शर्ट के ऊपर नहीं लग सकता ना प्लास्टर। डैम मैन इतना दिमाग। अरे पर सांता क्लॉज क्यों था, सांता क्लॉज क्यों थे वहां पे रैंडम से। तो हमें फिर कोई पॉइंट नहीं मिलता, मैं उम्मीद कर तो आप लोग गेस कर रहे हो। चलेंगे हम नेक्स्ट रिडल पे। मेहुल को खबर मिलती है, मेहुल फिर से एक सीक्रेट एजेंट नकली है, भेज बदल के ऑफिस में घुस गया है। ओके ठीक है, तीन एजेंट पे शक जाता है, ठीक है, म्यूजिक चला भी और रौनक मस्त था। वो तीनों के आईडी कार्ड चेक करता है, उनके पर्सनल फाइल्स चेक करता है, उनका बैकग्राउंड चेक करता है। जैसे ही वो तीनों के आईडी कार्ड ध्यान से देखता है उसे समझ जाता है कि नकली एजेंट कौन है, कैसे
मेहुल को कैसे समझता है कि नकली एजेंट कौन है, क्या आप बता सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ January 16, 1987 रोना। ये तो स्पॉट द डिफरेंस हो गया है। सुप्रिया डेट ऑफ बर्थ January 16, 1986 डेट ऑफ बर्थ January 16, 1986 दो के डेट ऑफ बर्थ सेम है, प्रिया और सुप्रिया के। देख रहे? ओह मेरे को मिल गया आंसर। यस गॉट इट डिड यू गेट इट? आंसर इज प्रिया। और क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ इसे मेरे को पॉइंट मिल जाएगा। प्रिया की जो एक्चुअल फोटो है उसमें उसके मोल जो है वो लेफ्ट साइड है, लेकिन क्या कहते हैं फोटो में मोल जो है उसका राइट साइड है। ओह माय गॉड देखना लिप्स के ऊपर वाला फोटो तो जब खींचेंगे तो टेढ़ी सी होती है। अबे भाई इंसान तो वैसे ही रहेगा, सेल्फी थोड़ी ना होती है आईडी कार्ड में। लेट्स सी भाई। यस ब्रो दिस इज द आंसर ब्रो। उसका मस्सा देखिए, आईडी में अलग तरफ है। एक्चुअली सो क्लेवर यार। रिज्यूमे अप्लाई होगा ऐसे डॉक्यूमेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपॉइंटिंग। रोहन के घर पे चोरी हो जाती है। अच्छा रोहन के घर पे फिर चोरी की तहकीकात करने पुलिस डिटेक्टिव मेहुल पहुंचे। फिर से मेहुल आ गया। मेहुल इज वेरी फेमस। आई लाइक मेहुल। तो रोहन बताता है घर पूरा अंदर से बंद था। ओके ठीक है। मैं सो रहा था, मुझे कुछ गिरने की आवाज आई तो मैंने देखा कि एक चोर सब चोरी करके खिड़की से भाग रहा था। जब तक मैं कुछ करता वो वहां से भाग गया था। मेहुल जब सब बंद था तो चोर अंदर आया कैसे? रोहन ये देखिए खिड़की का ग्लास टूटा हुआ है, शायद चोर ने खिड़की तोड़ी वहां से अंदर हाथ डाल के खिड़की खोली और अंदर आया। मेहुल उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है, चोरी हुई ही नहीं है। कैसे मेहुल को कैसे समझता है? क्या आप पूरे क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे समझा झूठ बोल रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू लाई, लेकिन इसकी इंग्लिश वाली वर्जन मैंने ब्राइट साइड में देख रखी है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है कि कोई पत्थर वत्थर नहीं, अगर वो मारता तो पत्थर से टूट के कुछ पत्थर होना चाहिए था फ्लोर पे। राइट, क्योंकि खिड़की जो देख उसका टूटा हुआ कांच जो है वो गिरा हुआ है, तो अगर पत्थर मार रहा था कुछ पत्थर होना चाहिए था, या फिर मतलब ये बेसिकली ऐसा लग रहा है कि खिड़की जो है वो अंदर से टूटी गई है। मेरे को पता है इसका आंसर यही है। लेट्स सी, इसका आंसर यही है कि खिड़की जो है अंदर से तोड़ी गई है क्योंकि कांच अंदर वाली साइड गिरा हुआ है, ऐसा कुछ होगा। खिड़की को देखिए वो ऊपर से टूटी हुई है, लेकिन खिड़की खोलने का लॉक नीचे की तरफ है। जो ऊपर से हाथ डाल के नीचे का लॉक कैसे खोलेगा? मतलब रोहन ने ही और ये सब ड्रामा कर रहा है। आंसर पता था पर फिर भी गलत हो गया। मतलब भाई ने तो कॉन्फिडेंटली बोला था मेरे को इसका आंसर पता है। मतलब ये मैंने सेम रिडल अपनी ब्राइट साइड वाली वीडियो में भी करी हुई है। बट हमारा आंसर गलत निकला ब्रो। We have to move on to our next video. क्यों मेरे को पॉइंट मिलेगा इसके लिए? क्यों मिलेगा? अरे मतलब इसका आंसर ये था कि उसने हाथ कैसे डाला होगा, इसका आंसर ये हो गया कि वो कोई पत्थर वत्थर को। हां ठीक है चल। प्रॉपर वो चल रही है, कोई मिल गया और वेंट इनटू द वुड्स, लेकिन एलियंस तो वहीं रह गए, वो उधर को भग गए, जादू रह गया धरती पे। द एजेंट बिलीव कि वो उन्होंने एलियंस ने ह्यूमंस की शेप ले ली। ओके ठीक है ओके एंड ब्लेंडेड इनटू द क्राउड। ओके मतलब लोगों में घुल मिल गए, इंसान बन गए। ही वॉक्ड अराउंड द स्ट्रीट्स एंड सून फाउंड बोथ द एलियंस। तो अब हमें बताना है कि एलियंस इनमें से कौन है। ठीक है, हु आर द एलियंस? तो वही ऑब्जर्व करने वाली बात होगी। पहले वाली आंटी जी धुआं छोड़ रही हैं। अच्छा सारी सबके मुंह से धुएं निकल रहे हैं सिवाय इसके। चला वीडियो फिर से। ये जो थर्ड ऊपर जो लाइन में थर्ड है ठीक है, और फिर से एक बार पीछे को चिप लेकर, और जो सेकंड लाइन में सबसे पीछे वाला है, उन दोनों के मुंह से वो क्या कहते हैं भाप नहीं निकल रही। देख रहे
फर्स्ट लाइन में सबसे ऊपर जो थर्ड है और सेकंड वाली लाइन में जो सबसे पॉइंट तो तुम्हारा सही है पर यही इन्हीं के मुंह से सिर्फ भाप नहीं निकल रही आई डोंट नो और कोई डिफरेंस है ही नहीं बाकी सब सेम है दे आर्ट ब्रीदिंग सो इजी ये तो ऑब्जर्वेशन वाली बात होगी माय ऑब्जर्वेशन इज गुड ऐसे यार बोलो यार मतलब ऐसे कैसे चले गए All prisoners choose between the rooms. If he chooses right, he'll marry the princess. अच्छा right choose करेगा. He'll will marry the princess. Nice English. वाह. If not, the dragon will eat him. ठीक है. Okay. मतलब सही कमरा choose करना है उसको. There are two boards on the doors and one says the truth and other one lies. मतलब एक door में princess है. एक दोनों में ड्रैगन है right. और एक ऊपर दोनों के बोर्ड लगे हुए हैं हाँ. एक बोर्ड सच बोलता है एक बोर्ड झूठ बोलता हाँ. है ठीक है okay. और सही बोलेगा तो प्रिंसेस से मैरिज कर दिया कमरे द प्रिंसेस इज हियर द ड्रैगन इज इन द नेक्स्ट रूम द ड्रैगन इज इन वन रूम एंड द प्रिंसेस इज इन द अदर तो ये तो सच अच्छा ये तो सच है द प्रिंसेस द ड्रैगन अच्छा मतलब इस डोर के ऊपर लिखा है इस डोर के ऊपर लिखा है तो एक वो जो है सही बोलता है दरवाजा ये सच है और ये झूठ है तो झूठ है ना वो कह रहे हैं यहाँ पे प्रिंसेस है ये गलत है ना ये बात तो राइट वाले रूम में तो राइट वाले रूम में प्रिंसेस होनी चाहिए मेरा भी आंसर यही है लेट्स सी क्या है इसका सो आई विल विन दिस राइट क्योंकि मैंने पहले आंसर दिया मेरा ठीक है आपका मेरा थोड़ा तेज था मैं तेज बोला एक्सप्लेनेशन तो मेरी भी ठीक थी यार ऐसे ही मतलब कोई मतलब मैंने तेज करा तो भाई छोटा भाई तू तो मतलब इतना बुरा भी नहीं हूं मैंने पहले आंसर दिया वैसे मैं यूजुअली स्लो हूं इससे ये थोड़ा ज्यादा तेज है लेकिन ऐसी चीजों में लेट्स सी हमने बोला राइट में ड्रैगन हो सकता है राइट में प्रिंसेस होगी राइट में प्रिंसेस है लेफ्ट में ड्रैगन है राइट में प्रिंसेस है ये आंसर नहीं है तो मैं जा रहा हूं मैं छोड़ रहा हूं आप मुझे छुट्टी दे दें मैं जा रहा हूं ऑब्वियसली इन टू रूम टू इफ द बोर्ड वन सेज ट्रूथ देन द बोर्ड हां हां मतलब सही है ना राइट वाले में निकली ना प्रिंसेस सही है जीत गए राइट तू बड़ा जरूर हो गया है फिर भी तू छोटा ओके सो वी आर ऑन आवर फाइनल रिडल और फाइनली इस गेम में हम इस वाली के हम तीन पॉइंट दे रहे हैं फिर भी चल ठीक है देखा पॉइंट तीन नहीं देखा प्लीज चल दे दिया तीन पॉइंट्स दे ओ माय गॉड लेट्स सी अरे कोई नहीं मैं तुझे जिताना चाहता हूँ आई लाइक द म्यूजिक ओके Vampires do exist. Get over it, shut up. There were three houses. Okay. A, B, C, three houses. Chicken. There were three houses. John walked over to the house. He thought it was weird. Weird. Which one is it? Weird. D, weird, eh? Which house looks suspicious? C or B? A, B or C? Acha, oh. B looks suspicious. Obviously. क्यों? क्यों? अब तूने बता दिया तो मैं एक बार चेक कर लूँ ना भाई B looks suspicious. हाँ B है. मतलब ये है कि तीन houses हैं. लाइक तारे मैंने आए. मैंने normally video play हो रही थी एक बार देखो. एक second. वो A से लोग अंदर जा रहे हैं. बाहर आ रहे हैं इसके अंदर जा रहे हैं इससे बाहर आ रहे हैं नहीं बाहर नहीं आ रहे ना बी में से हाँ बाहर नहीं आ रहे बस बिल्कुल चल मैं मेरा भी यही आंसर है बी लुक सस्पिशियस क्योंकि वहां लोग सिर्फ अंदर जा रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे मैंने आंसर इसको पहले बता दिया था क्योंकि मैं चाहता था बड़ा भाई है तीन पॉइंट लेट्स सी ये आंसर सही हुआ नहीं हुआ अगर ये गलत हुआ ना आंसर तो इसके तीन माइनस कर दूंगा मैं क्योंकि इससे मेरा बी लुक सस्पिशियस हुआ अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ Look at the footprints. Weird, huh? Haan, bahut weird hai, pata hai. Ye jo bol rahe hai, iski awaaz kaise de rahe hai? Abhi aunty hai. Na na to. Houses A and C. The
लड़का बोल रहा है। But they don't come out and out of house B. What about house B? The footprints only go in one direction. Oh wow. Get it? One direction. Yeah, one direction. Wow, nice. People come in. मेरे को क्वेश्चन तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन बंदे की आवाज यही क्वेश्चन था पूरा खत्म हो गया। खत्म क्वेश्चन छोड़ो यार, मेरे को तो बंदे की आवाज बड़ी थी लेकिन क्या हुआ? अबे इतना सीरियस मत ले भाई, कितना लोड मत लिया है। फिर से हार गए हम अपने चैनल पर ये मिस्ट्री रिडल्स बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया करके। आपको मजा आया करके और फाइनली आप फिर जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप आप लोगों को भी मुझे पसंद आया, अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।